खबर उधम सिंह नगर के बाजपुर सारी। आपको बता दें कि 20 गांवों की भूमि बचाने के लिए तहसील में चल रहे सत्याग्रह आंदोलन के समर्थन में हरिद्वार के डाक कांवड़ लेकर के पहुंचे ओम नमः शिवाय कांवड़ दल से जुड़े शिव भक्तों के जत्थे का बाजपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। शिव भक्तों ने हजारों गरीब परिवारों के हक उन्हें वापस दिलाने का कामना भगवान भोलेनाथ से किया। इस दौरान हर हर बम बम ओम नमः शिवाय के उद्घोष से नगर गुंजयमान हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में 20 गांव में 5838 एकड़ भूमि पर मालिकाना हक हासिल करने के लिए तहसील परिषद में चल रहे सत्याग्रह को समर्पित डांट कांवड़ यात्रा पर ओम नमः शिवाय का दल बाजपुर के महंत राजेंद्र कुमार उर्फ अगुवाई में शिव भक्तों का जत्था 26 अगस्त की देर रात हरिद्वार के गंगा जल लाने के लिए गया था। करीब 180 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करने पर सोमवार को ब्रह्मदेव शनिदेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर श्रद्धा भाव से जलाभिषेक किया गया, साथ ही विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। लगभग कई वर्षों से ओम शिव कांवड़ दल बाजपुर डाक कांवड़ व कांवड़ लाता रहता है। जब हमने इससे पहले शिव तेरस पे कांवड़ लाके जल चढ़ा चुके हैं, लेकिन सत्याग्रह आंदोलन को देखते हुए ओम शिव कांवड़ दल ने इन्हें समर्थन दिया और आपसी मीटिंग में ये तय हुआ कि ये समस्या जो है सत्याग्रह आंदोलन बाजपुर के गरीब जन समुदाय से जुड़ी समस्या है, जिससे गरीब परिवारों ने अपने पैसा पैसा इकट्ठा करके अपने मकान बनाया व सरकार को राजस्व दिया, रजिस्ट्री कराई, रहने लायक अपनी झोपड़ियाँ बनाई। आज उनके ऊपर एक गाज गिर रही थी, तो ओम शिव कांवड़ दल द्वारा भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने के उद्देश्य से कि भगवान भोलेनाथ इन गरीबों की और किसानों की मांग को सुने, जिससे उनकी मांगों को समर्थन दिया और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाए।